बाद में फिर भी खिलाड़ी एंड ऑल्सो दीदा की जो है वो चाल है, जबरदस्ती है दीदा की चाल है, थप्पड़ मारा था ना इसलिए हाँ राइट कि वो चाहती हैं कि हम दोनों वापस करीब आ जाएं, बिकॉज एल्डर्स हमेशा चाहते हैं कि यू नो जो बच्चे हैं खुश रहें और ऐसे रिश्ते ना तोड़ें, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है और शादी जैसी चीज़ कोई उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसको so कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, सब कुछ बता दो उनको। सो दीदा इज ट्राइंग कि भाई हम लोग यू नो सर वापस टकराएं और थोड़ा सा एक लाइटर माहौल पैदा करती हैं, बिकॉज शी नोज हमारे बीच में टेंशन है। एंड एट द सेम टाइम मौली जो है वो बच्चों को खाना खिला रही है, एंड आई एम लुकिंग एट हर एंड लविंग दैट साइड, बिकॉज ये इतना सब कुछ होने के बावजूद शी इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर द फैमिली, सो फॉर मी आई गेन लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन माई हार्ट फॉर हर। एट द सेम टाइम कुछ उसके मुँह से जाना निकल जाता है जहाँ पे आई फील ऑकवर्ड, शी फील्स हाईली ऑकवर्ड, कि मतलब पहले वाली उसको याददाश्त आ जाती है कि पहले कैसे जाना बुलाया करती थी और अब कुनाल बुलाती है। सो शी फील्स ऑकवर्ड, आई ऑल्सो फील ऑकवर्ड, आई फील गिल्टी कि मतलब जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, होना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसी चीज़ें हैं सिचुएशन है उसे फेस करना पड़ेगा, जो हो रहा है उसके होने तो बेसिकली। या एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो हमारे शो में आजकल ट्विस्ट चल रहा है कि दिद्दा जो है शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू गेट कि दोनों को वापस इनके बीच में कुछ क्लोजनेस लाने के लिए, तभी उन्होंने पूरा झूठा मूठा नाटक भी किया तबीयत ख़राब होने का, और कहती हैं फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करो, और ज़बरदस्ती हमारा सर टकराता है सीन में, वो बोलते हैं आई सर, और बोलते हैं एक बार और टकराओ, तो ये सब कर रही हैं, काफ़ी कुछ कर रही हैं। आई थिंक हर घर में ऐसा ही होता है व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, बड़े लोग ऐसी अनरीजनेबल चीज़ें करते हैं अपनी तरफ से टू बिकॉज परिवार को जोड़ के रख। या आई थिंक वो जनरेशन जो थी ना पहले की, तो वो शादी को ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा मानती है, सोचती है कि जो भी डिफरेंसेस आए उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, अनलाइक आर जनरेशन। क्या नंदिनी, हाँ हाँ हाँ, बेसिकली मैं नंदिनी को कई बार प्रॉमिस कर चुका था सॉरी कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, बट घर पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, दीदा ऐसे क्रिएट कर देती है कि मैं नहीं घर से निकल पाता हूँ, और उस वजह से आई फील गिल्टी कि मैं नंदिनी को टाइम नहीं दे पाया, नंदिनी ने मेरे लिए खाना बना के रखा हुआ है और फिर बाद में वो भी कई ब्राह्मणों को खाना वाना खिला रही है, एंड देन ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड टू हर, सो आई फील गिल्टी, दैट इज़ वाई आई गिव हर दैट रोज टू मनाओ हर कि भैया सॉरी, सो डोंट वरी अबाउट इट, और नेक्स्ट टाइम से मैं अपना प्रॉमिस पे अब उसको पूरा करूँगा। सो जस्ट एक हैप्पी मोमेंट था और एक मीटिंग पॉइंट था कि बहुत दिनों से नंदिनी से नहीं मिला हूँ, सो आई जस्ट गेट सम टाइम टू मीट हर। Okay.